तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला ने अपना पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है। तो भाई भोला ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन किया है, इस फिल्म को पूरे इंडिया में कितने स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, इस फिल्म का टोटल बजट कितना है और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितनी कमाई करनी पड़ेगी, और भाई इस साल बॉलीवुड के द्वारा जारी की गई उन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में क्या भोला की एंट्री हो पाई है, जो कि भैया इस साल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करते हुए भैया टॉप 5 की लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने में कामयाब हुए थे। तो भाई ये सारी जानकारियां अब मैं आपके सामने रखूंगा एक एक करके। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मार ली है, और भाई बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही इस फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस चलता हुआ दिख भी रहा है मेरे भाई। यानी कि भोला को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई ये फिल्म 100 करोड़ के बजट पर बनाई गई है। यानी कि इस बजट में इस फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट तो है ही, उसके साथ भैया एडवर्टाइजिंग और पीआर कॉस्ट भी है। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया भोला को इंडिया में 4000 स्क्रीन के माध्यम से रिलीज किया गया है, और उसके बाद भैया भोला को हिट होने के लिए लगभग 115 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। यानी भैया ये फिल्म 110 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये फिल्म केवल एवरेज फिल्म साबित होगी। अगर ये फिल्म 115 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर जाती है तो भाई ये फिल्म हिट की श्रेणी में आ जाएगी। उसके बाद भैया भोला को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस साल बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के लिए शानदार ओपनिंग हासिल करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में यह फिल्म तीसरे पोजीशन पर है। यानी कि अगर मैं इस टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट की बात करूं तो भैया पांचवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 2,55,00,000 रुपए का। उसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है कार्तिक आर्यन की फिल्म सहजादा, जिसने पहले दिन 6 करोड़ का बिजनेस किया था। देन उसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है भोला, और उसके बाद भैया दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 15,73,00,000 रुपए का बिजनेस किया था। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है भाई इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया पठान, जिसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ का बिजनेस किया था। और भाई अब भोला को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया भोला को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 11,20,00,000 रुपए का बिजनेस मिला था, और इसी बिजनेस के माध्यम से यह फिल्म इस टॉप 5 के लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर आ चुकी है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया भोला का तो पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट हो गया और इस फिल्म ने पहले दिन 11,20,00,000 रुपए का बिजनेस कर लिया है, तो भाई अब आपको क्या लगता है इस फिल्म का दूसरा तीसरा चौथा दिन कैसा रहेगा, यानी कि इस फिल्म का पहला वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहेगा? क्या यह फिल्म अपने पहले वीकेंड के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहेगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।